कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन की बिना पर बहुत से ऐसे ख़ानदान, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें नामसाइद माशी हालात का सामना करना पड़ा। ऐसे में हुकूमत वक्त ने आगे बढ़कर अपने हम वतनों की मदद के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम, कैश की तरसील ऐसे लोगों, ऐसे मुस्तहकीन तक पहुँचाने की तगदौ की है जिनको बहुत ज़्यादा माशी अबतरी की सूरत हाल का सामना है। अरबों रुपया अब तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60 अरब रुपया पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने सर्फ किया है मुस्तहकीन की कफालत के लिए। इस हवाले से आज हम यहाँ एक ऐसे सेंटर में मौजूद हैं जहाँ बहुत सी खवातीन, बहुत से मर्द हजरात मुस्तहकीन इस सेंटर में पहुँचे हुए हैं। वो एक मुनासिब डिसिप्लिन के तहत काउंटर्स तक पहुंचते हैं, टोकन लेते हैं और उसके बाद उन्हें कैश दिया जाता है। उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह नहीं होने दिया जाता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुस्तहकीन से भी जिनको ये कैश मिल रहा है, उनके जज्बात भी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यासर गिलानी, आप चेयरमैन PHA लाहौर हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सरगर्म और अहम रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। इस सारे प्रोग्राम के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं, क्या उनके पास तफसीलात हैं, हम उनकी ज़बानी जानते हैं। यासर गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पहुँचे हैं और हमने देखा कि आप खुद निगरानी कर रहे हैं इस सारे प्रोग्राम की और इसको शफाफ रखने के लिए, और इसमें जो जितने मुस्तहकीन हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद के लिए जो हुकूमत का अज़्म है उसे पूरा करने के लिए आप यहाँ मैदान में मौजूद हैं। इस हवाले से आप मज़ीद क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, मुझे दो तीन बातें इस हवाले से करनी है। सबसे अहम बात तो ये है, क्योंकि आपको पता है कि एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक जैसे आया और उसमें लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, और हमारे मुआशरे में ऑलरेडी हमारे कोई 25% के करीब ऐसे लोग हैं जो कि कैटेगरी